पर दोस्तों द फैक्ट टाइम आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल सिरसा में। यहां पर देख रहे हैं कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के शिष्य हैं वो काफ़ी लोग यहां पर आए हैं। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की यूनिफॉर्म इन लोगों ने पहनी हुई है। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि फ्रूट्स की टोकरी लेकर यहाँ पर जो पहुँचे हैं इनका क्या प्रोग्राम है, क्या मुहिम है और कि किसके कहने पर ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम। नमस्कार मैम, मेरा नाम संदीप इंसा है और मैं सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग का सदस्य हूँ, जो हमेशा भलाई कार्यों में अग्रणी रहती है। उसी भलाई कार्य करने के लिए आज हम सिविल अस्पताल सिरसा में पहुँचे हैं। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के संदेश पर अमल करते हुए आज सभी सेवादार जो जरूरतमंद मरीज हैं एडमिट है हॉस्पिटल में, उन सभी को फ्रूट्स की किटें बांटने के लिए आज यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। सर, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है ये मतलब किसके कहने पर, मतलब ये इनिशिएट कौन करता है इस सोच को? हमारे गुरुजी हैं सेंट डॉक्टर MS जी, वही हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं संदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, और सबको आदेश देते रहते हैं कि हम अभी हमने ये कार्य करने ये करने हैं। तो उन्हीं के संदेश पर अमल करते हुए साथ संगत आज ये फ्रूट बांटने का भलाई का कार्य कर रही है। सर, देखा जाए अब संत जी यहाँ पर नहीं हैं, उस तरीके से नहीं हैं, क्या अब भी आप लोगों को वहाँ रहकर भी वो संदेश दे रहे हैं ऐसे कार्यों? बिल्कुल मैम, जब से गुरुजी सुनारिया जेल में गए हैं तब से लगातार गुरुजी अपने चिट्ठी के माध्यम से हमें संदेश देते रहते हैं, जैसे भलाई कार्य करनी है, सत्संग करना है, जो भी कार्य करने हैं समाज के भले के लिए। पिछले दिनों में जैसे कोरोना चला और कोरोना में गुरुजी ने लगातार संदेश साध संगत के लिए भेजे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, उन सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाना है और उनको फ्रूट्स वगैरह वितरित करने हैं। और वो कार्य साध संगत ने बढ़ चढ़ कर किया और उस पर पूरा अमल किया संदेश पर, वैसे ही गुरुजी ने दोबारा संदेश भेजा है कि जो सिविल अस्पताल में, जैसा कि सभी को पता है सिविल अस्पताल में गरीब बंदा ही आता है और गरीब बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी सेहत के लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद सके, तो गुरुजी ने उनकी सेहत की अच्छी कामना करते हुए ये फ्रूट्स वितरण का कार्य शुरू किया है। और पूरे हरियाणा पंजाब राजस्थान में जो सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादार बहन भाई हैं वो सभी ये कार्य आज बढ़ चढ़ कर रहे हैं, उसमें पूरा हिस्सा ले रहे हैं। सर, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप ऐसे कार्यों के लिए जो आप इतनी ठंड में भी दूसरों के लिए सोच रहे हैं? मैम, समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है उसके सेवादार जैसे मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी ऐसे भलाई के कार्य करने चाहिए ताकि समाज में एक नई क्रांति आए, सबका भला हो सके और जरूरतमंद लोग भी इस समाज में अच्छे से जी सकें। सर, संत जी समाज में आ जाते हैं, आप लोगों के बीच फिर उस तरीके से आ जाते हैं, आपको लगता है इस कार्यों की जो लेवल है वो और ऊंचा होगा, जब कुछ बेनिफिट आपको लगता है उनके आने से होगा? बिल्कुल मैम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि गुरुजी सुनारिया जेल के अंदर से हमें मोटिवेट करते रहते हैं, समय समय पर संदेश भेजते रहते हैं, अगर वो देह रूप में हमारे बीच में आते हैं तो बिल्कुल हमारा जो मनोबल है वो 100-200 गुना ज़्यादा हो जाएगा और साथ संगत जो भलाई के कार्य है वो बढ़ चढ़ कर करेगी और उससे सारे समाज का भला होगा। और गुरुजी सत्संग करते थे, उसमें हजारों लाखों लोग सत्संग में आते थे, सत्संग सुनते थे, उनकी जो बुराइयां हैं नशा है वो दूर होता था और उनके घर में एक सुख शांति की लहर दौड़ पड़ती थी। अगर गुरुजी बाहर आएंगे तो वाकई इस समाज का भला बिल्कुल होगा। जी सर, आपका क्या मानना है, मतलब जो दूसरी तरफ एक लोगों की अलग परसेप्शन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के लिए है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग उनके शिष्य आज भी उनके साथ खड़े हैं, आप समाज को क्या बताना चाहोगे जो लोगों के दिमाग में जो भी एलिगेशन संत जी के बारे में बोला जाता है, मतलब आपकी क्या राय है? मैम देखो, मैं यही कहना चाहूँगा जो तन लागे सो तन जाने, जैसे कि हमें पता है गुरु जी ने हमें क्या शिक्षा दी है और उस शिक्षा पर अमल करते हुए सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार और मेरे आसपास में रहने वाले सत्संगी भाई और ऐसे 5-6 करोड़ सेवादार बहन भाई है, सत्संगी भाई है जो डेरे से जुड़े हुए हैं और उनके घर में पहले कलह क्लेश रहता था, वो नशों में डूबे रहते थे और लड़ाई झगड़ा रहता था, जैसे ही हमने सत्संग लिया है, गुरुजी से जुड़े हैं, तो गुरुजी ने हमें हमेशा समाज के भले के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी है कि समाज में कैसे बुराइयाँ भगानी है और उन बातों पर अमल करते हुए हमने अमल किया है और उससे हमारे घर में पूरी सुख शांति आई है मैम और हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो यही कहना चाहूँगा जो डेरे से जुड़े हैं उनसे आप पूछो कि असलियत क्या है। देखो दूर से लोगों को नहीं पता चलता कि असलियत क्या है, जो डेरे में आते हैं महसूस करते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, उनको ही पता चलता है कि डेरे का मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है, इस समाज को सुधारना, और उस कर रहा है डेरा लगातार कार्य कर रहा है। तो जो लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बारी वो डेरे में ज़रूर आए, एक बारी आके बैठें, ऑब्जर्व करें, पूरा ब्यौरा लें, तभी आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। चाहे वो सिरसा में आए या किसी ब्रांच में आप जाकर ये देख सकते हो, हर संडे हर ब्रांच में सत्संग होता है, आप सत्संग में जाकर भी गुरुजी के वचन सुन सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? आपका शुक्रिया। मेरा नाम गगन है। सर आप लोग जो ये फोर्स काम कर रही है, आपको क्या लगता है क्या किस कैसे ही आप लोगों के अंदर सोच आई, कैसे ये जज्बा आप लोगों के अंदर आया? देखो जैसे संदीप जी ने बताया, गुरुजी जैसे समय समय पे हमें संदेश भेजते हैं सुनहरिया जेल से, तो उसी संदेश को हम फॉलो करते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आगे वो सेवा कार्य चलते रहते हैं। जैसे आज फ्रूट वितरण का कार्य चल रहा है, इसी तरह कोई सफाई अभियान हो, गरीबों को कपड़े बांटने हो, इस तरह के कार्य चलते रहते हैं। सर आपको लगता है ज़रूरत है इस समय संत जी की सोसाइटी? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। ये देखो समाज पता है किस रास्ते पे जा रहा है, तो उसको सुधारने का जो बीड़ा संत जी ने उठाया, गुरु जी ने उठाया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रभाव है, नशा बहुत बढ़ रहा है उनका। आप कोई भी सत्संग सुन लो, नशे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कहते हैं वो, नशे से दूर रहना चाहिए। आप एक चीज़ सोचो, नशा अगर घर में होगा तो घर में सुख शांति नहीं होगी, घर में क्लेश रहेगा, ये जो चीज़ें आम घर में देखी जाती हैं। तो हम सबका यही मानना है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आएँ समाज में, और जो समाज अभी भी बहुत दूर है इन चीज़ों से उनको जोड़ें, और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते चले जाएं। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से? यही अपील है जी कि संत जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। देखो सच जो है एक ना एक दिन सामने ज़रूर आएगा, उन पे जो गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, वो सरासर झूठ हैं। हम बहुत समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अच्छे से इस चीज़ को देखा जाए और समझा जाए और आगे इस पे इम्प्लीमेंट हो, और ताकि गुरुजी को जल्दी से जल्दी समाज में वापस लाया जाए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सिरसा से कवरेज, यहाँ पर शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के कहने पर आज यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनको फल फ्रूट्स की टोकरियाँ दे रहे हैं। हम लगातार जो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान आज यहाँ पर नहीं है, फिर भी वो समाज हित के लिए, समाज के लिए संदेश लगातार भेज रहे हैं, इन लोगों को लगातार कह रहे हैं कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। हम भी अपील करते हैं कि लगातार जो ये लोग बोलते हैं सरकार से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कि एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस संत के कहने पर आज भी ये करोड़ों लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो इस संत के लिए हमारे समाज की कितनी ज़रूरत है, इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। लगातार जनता भी अपील कर रही है, आप भी सोचते रहिए आपकी क्या राय है इन लोगों के लिए, और इस सोच के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।